खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार प्रियावतार आपको, ये हमारे देश भारतवर्ष में आई हैं, स्वागत है आपका। योर वेलकम, वेलकम इन इंडिया। और धन्यवाद रमाकांत मुंडे जी का, मुझे उन्होंने इनवाइट किया। रमाकांत मुंडे साहब जी के कितने हैंडसम फोटो उनकी बात है, मुझे उन्होंने इनवाइट किया और मुझे इनकी डिटेल भेजी मेरे व्हाट्सएप पे। तो मैं आज शूटिंग पे बैठे बैठे इन शूटिंग एंड वॉचिंग योर वीडियो वैष्णव, मुझे इतना अच्छा लगा। शी सैंग सो ब्यूटीफुली, इतना खूबसूरत उन्होंने गाया है। धन्यवाद, स्वागत है, वेलकम। और मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी, इतनी अच्छी हिंदी बोलती है, जितनी भी बोलती है बहुत खूबसूरत बोलती है, बहुत अच्छी आवाज़ है। इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा डांस किया और हमारे बॉलीवुड के डायलॉग्स इन्होंने बहुत अच्छे बोले। तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बॉलीवुड में इनका पदार्पण हुआ है, इनकी शुरुआत हुई है। तो मैं शुभकामनाएँ देना चाहूँगा और ब्राइट फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड कीप इट अप, गॉड ब्लेस। It's very, really appreciate to we. I would like to say big thanks to Modi Ji, and I'm very proud to announce I'm singing in Gujarati language. And you know the Gujarati is not easy. This is difficult language. Yes, yes. But I'm really proud to announce, and this is not only singing the song, but this is also the good relationship both of countries between Thai and India. And for me, this is, it has been such honor to sing in this song, and I'm in the one part in this project. This is God very, bless. Very God good. Bless. What about Sushma Swaraj? My family. Yes, and I think you met Sushma Swaraj, or maybe later Sushma Swaraj. Yes. She sent a letter to you, appreciation letter to you, late Shri Shrimati Sushma Swaraj. This is coming from the Indian government. Yes. It's very amazing because, you know, no. I've never known before I will get this letter from the Indian government. And for me,
I'm really glad and very happy, and I'm willing, always willing to learn in Hindi and Arabic language. And I think very soon, within a few months, you will speak Hindi fluently. Hindi bolna sikh rahi hu aap sikh jayenge bahut jaldi sikh jayenge aur bahut achhi hindi bolenge acha acha what about your album how is your experience about the album acha yes what you want to say about your album say something about your album to the media entire media your entire media lovely media is here in front of you Music video is already done in Thailand, and for my Hindi song, you know, I love to sing in Hindi, and I always willing to learn more and more. And you know, I have cooperated with both Bollywood movie and music. It's which has been wonderful experience to me. And for this song, I really love this song. And thank you to Jirangan Bhatt. Teaching me in the Hindi language, and we get used to work together before. And I only want everyone is like my song too, and everybody I hope everyone love my song. Yes. ये हिंदी सॉन्ग है और हम लोग ऐसे इंटरनेशनल सिंगर से ये गाना चाहते हैं तो इसलिए किस किस मूड का गाना है ये थोड़े मस्ती टाइप वाला है उन्होंने मतलब किया है वो ऐसे हम लोगों का मतलब यही था कि इंटरनेशनल सिंगर से हम लोग ये करें हिंदी सॉन्ग हाँ एन मिचाई और स्टार का और वीडियो वही है एक्चुअली हम लोग इंटरनेशनल सिंगर के साथ ऐसे सोच रहे थे कि इंटरनेशनल सिंगर को हम लोग हिंदी गाना ये करें क्योंकि इंडियन सिंगर तो करते ही हाँ जब इंटरनेशनल कोई स्टार है इट्स अ प्राइड फॉर इंडिया ना मतलब आगे भी आप लोग इंटरनेशनल सिंगर को लेके नहीं ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इंडिया में तो बहुत सारे सिंगर हैं हाँ नहीं ऐसे कुछ नहीं है तो अभी कौन सा कुछ प्लान कर रहे हैं नया कुछ है इसके बाद वो सरप्राइज है वो आपको जल्दी पता चलेगा आप लोगों को शायद पता नहीं है मैं एक सीरियल है मैं बहुत बोल चुके ऊपर थाईलैंड में काफ़ी फेमस है और वहाँ पे फैन फॉलोइंग बहुत है मेरी और मेरी शादी भी थाईलैंड में हुई है तो जब मुझे इनविटेशन आया और पता लगा कि जो सिंगर है थाईलैंड से मैं कहीं तो रिश्तेदार हो गए सपोर्ट करने के लिए आना ही पड़ेगा तो अभी मैं सुना नहीं है गाना मैं सुनूंगा क्या है कैसा है लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा और उनका सपोर्ट करने के लिए मैं आया हूँ था तो मैं बहुत खुश हो गया क्योंकि प्रियवता जी शी इज़ अ थाई सिंगर बेसिकली और हिंदी में गाना ये बहुत बड़ी बात है और उनका जो स्टाइल है और उनका जो डांस करने का भी ढंग है प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा है तो आई वेलकम आर टू बॉलीवुड जितने भी सिंगर आते हैं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं म्यूज़िक को सो इट्स रियली नाइस एंड बीइंग अ म्यूज़िक कंपोजर जैसे मैंने काफ़ी सिंगर्स को इंट्रोड्यूस किया था सोनू निगम एक्सेट्रा सब गाने मेरे तो दिस इज़ वन मोर सिंगर हु हैज़ कम तो मैं भी उनके साथ ज़रूर काम करूँगा कोशिश करेंगे हमारे प्रोजेक्ट्स में उनको यूज़ करें और म्यूज़िक को हम लोग बढ़ाने की कोशिश करेंगे फिर न्यू आर्टिस्ट इंडिपेंडेंट म्यूज़िक इट्स ऑन द राइज टुडे फिल्म म्यूज़िक तो डेफिनेटली पॉपुलर है प्राइवेट म्यूज़िक इंडिपेंडेंट म्यूज़िक बहुत ही अभी राइज पे है और 14-15 साइट्स अभी मुझे भी कॉन्टैक्ट किया कि आपको कंटेंट चाहिए So it's very good to welcome Priyavatar to Bollywood into the independent music. Of country की singer, well known singer अगर हिंदी में अपना album launch कर रही है तो definite मतलब हमारे लिए एक proud की बात है कि foreign के singerों को भी India में अपने गाने लाने का एक बहुत ही अच्छा attraction भी है और हमारी public भी खुश होती है कि भाई देखिए foreign के singer भी हिंदी में गाने गाते हैं तो definite हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और मेरी ओर से शुभकामनाएं सिंगर को भी और ये म्यूज़िक लॉन्च करने वाली कंपनी को भी आई होप कि ये गाना बिल्कुल सुपर हिट हो ऑल द बेस्ट